हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड बेबी हेल्थ केयर। मैं हूँ दिव्या। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग के साथ लड़की होने के लक्षण शेयर करूँगी, क्योंकि लड़के होने के लक्षण मैंने बहुत सारा शेयर कर दिए हैं, तो मैंने सोचा आज की वीडियो कुछ डिफरेंट हो जाए। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लड़की होने के ऐसे 5 सिम्टम्स जो अगर आप में दिखेंगे तो पक्का ही आपके घर में एक राजकुमारी आने वाली है, एक नन्ही परी आने वाली है। ये सभी महिलाओं के मन में जिज्ञासा होता है कि उनके गर्भ में एक लड़की है कि लड़का है, तो ताकि वो आने वाले अपने बच्चे के लिए एक तैयारी कर सके, एक शॉपिंग कर सके। अगर लड़की होगी तो अपने रूम का कलर पिंक करा सके, वो फ्रॉक खरीद सकें, या कुछ भी जो भी तैयारी होती है लड़की के लिए वो सारी कर सकें। और लड़का रहता है तो भी रूम का कलर चेंज करा सके, जो लड़की की च्वाइस होती है, उनके हस्बैंड की जो च्वाइस है, वैसे जो भी मतलब होता है वो अलग अलग तरह से हर महिलाओं का च्वाइस होता है, हर एक महिला का जिज्ञासा होता है, ताकि उनको पता चल जाए तो वो अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकें, जिज्ञासा पूर्ति काम कर सकें। तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि आपके गर्भ में एक लड़की है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ये वीडियो कहीं से भी जेंडर प्रेडिक्शन को तो बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों एक समान होते हैं, दोनों ही माँ बाप का नाम आगे लेके जाएंगे। जब आप उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, तो वो दोनों ही आपका नाम रोशन करेंगे। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट के दिए, ताकि न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिले मेरी न्यू वीडियो की, और मेरी न्यू वीडियो आप सबसे पहले वॉच कर पाओ। और वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला लक्षण है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस बहुत सारे महिलाओं में अलग अलग तरह से सिम्टम्स दिखते हैं। तो मॉर्निंग सिकनेस किसी किसी महिला में दिखते हैं, चाहे वो मतलब जो महिला प्रेग्नेंट है, चाहे उसने एक लड़की को कंसीव किया हो, चाहे वो एक लड़के को कंसीव की हो, 4 मंथ तक कंपलसरी है मॉर्निंग सिकनेस होगा, उसके बाद बंद हो जाता है। और किसी किसी महिला में देखा गया है कि जब उसने एक लड़की को कंसीव की रहती है तो उसका जो मॉर्निंग सिकनेस है पूरे 9 मंथ तक चलता है, मतलब उल्टी और मतली की जो समस्या है वो पूरे 9 मंथ तक रहती है, तो उसने एक लड़की को कंसीव किया है, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे कि उसका पेट का आकार देख करके आप पता कर सकते हैं कि उसने एक लड़की को कंसीव किया है। पेट का आकार कैसा होता है? जब एक लड़की को कंसीव किए रहते हैं तो पेट का आकार गोल रहेगा, अंडेकार नहीं मटके का शेप का, ठीक है। अंडेकार तो लड़कों में देखा गया है। और बॉडी टाइप के ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है कि आपका बॉडी किस टाइप का है। अगर आपका बॉडी एकदम गोल मटोल है तो पेट गोल रहेगा ही। अगर आपका बॉडी स्लिम है, कहीं से भी गोल मटोल नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका पेट जो है वो एकदम से गोल मटोल हो गया, मतलब गोल हो गया एकदम मटके आकार का और बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा हैवी हो रहा है, तो आपने एक लड़की को कंसीव किया है। थर्ड नंबर पर बात करेंगे कि आपके हेयर में चेंज आ जाते हैं। आपके हेयर अगर मोटे हैं, घने हैं, तो हेयर बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, हेयर लॉस होने लगते हैं, हेयर से आप परेशान हो जाते हो। कुछ भी करो प्रेगनेंसी के टाइम में, मगर हेयर तो ख़त्म ही हो जाएंगे। आफ्टर डिलीवरी भी आपकी हेयर में ग्रोथ नहीं दिखने वाली है। कभी भी मान लीजिए अगर फर्स्ट बेबी आपकी लड़की है तो आपका हेयर 3 से 4 साल तक लॉस ही होते रहेंगे, हेयर एकदम ख़त्म ही सा हो जाएंगे। 4 साल के बाद हो सके तो आपका हेयर का रीग्रोथ हो सकता है। बोला जाता है कि जब लड़के बोलना स्टार्ट करते हैं, लड़कों के दांत आने स्टार्ट होते हैं, तो माओ का बाल बहुत झड़ता है, तो इसके लिए मैं 4 साल बोल रही हूँ, 4 साल तक तो हेयर लॉस ही होते जाएंगे, ठीक है। जब आपने एक लड़की को कंसीव किया है तो अगर आपके गर्भ में एक लड़की हो तो भी आपका बाल बहुत झड़ेगा, होने के बाद से तो झड़ना ही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, होने के बाद से बाल, महिलाओं का बाल झड़ ही जाता है, तो ये मेन रीज़न है। फोर्थ नंबर पर बात करेंगे कि आपके स्किन में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। स्किन में आपके अलग सा ग्लो हो जाता है, ब्राइटनिंग ग्लोइंग अपने आप आ जाती है स्किन में।
अगर आपका पहले से स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, डैमेज है, मतलब ये एकदम रूखा सा है, ड्राई सा है, लेकिन जब आपने एक लड़की को कंसीव किया है तो आपकी स्किन एकदम ग्लो शाइन करेगी, अलग सा शाइन आ जाएगा आपकी स्किन में, आपका फेस एकदम से ब्राइट हो जाएगा, आपके फेस पे अलग सा ग्लो दिखेगा, कोई भी देख के बोलेगा कि वाह आप क्या यूज़ कर रहे हैं जो आपके फेस में इतना अच्छा शाइन आ रहा है। तो ये लड़की के टाइम में ही होता है, क्योंकि लड़कों के टाइम में तो स्किन बिल्कुल भी ख़राब हो जाती है और लड़कियों के टाइम में स्किन में अलग सा ग्लो ऐड हो जाता है। फिफ्थ नंबर पर हम बात करेंगे कि आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहेगी, आपके पैर 7, 8वां और 9वें महीने में आप चल नहीं पाओगे, बार बार आपके पैर एकदम से फूक के इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, आपको चलने फिरने में परेशानी होगी। ये लड़कियों के टाइम में बहुत बड़ा रीज़न है कि पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, मैं जब कंसीव की थी तो मैं जाती थी हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने के लिए, वहाँ पे मैंने जितने भी महिलाओं के पैरों में स्वेलिंग देखी थी सबको लाइन से लड़कियाँ ही हुई थी। लड़कों के टाइम में भी पैर में स्वेलिंग होता है, बट ज़्यादा नहीं होता है, हल्का सा झनझनाहट रहेगा, हल्का सा स्वेलिंग रहेगी, रेडनेस आ जाएगा पैर में, पैर मतलब पिंकी गुलाबी गुलाबी से ऐसे दिखेंगे तो लड़का होता है, और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, पीला पीला पैर पड़ जाता है स्वेलिंग के वजह से, बहुत ज़्यादा इतना मोटा मोटा पैर, मतलब चलने में परेशानी होता है, इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, उस टाइम में आपको चलने का वॉक करने का मन नहीं करता है, तो आपने एक लड़की को कंसर्न किया है। ये थे कुछ 5 लक्षण जो लड़कियों के टाइम में देखे गए हैं। और दिल की धड़कन की बात करें तो दिल का धड़कन भी मायने रखता है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं हम ना, तो बच्चों का धड़कन अपने आप ही बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि उनको पता चलता है कि उनको कोई टच कर रहा है, कोई छू रहा है, तो वो अपने आप ही मतलब मूव करने लगते हैं, मूवमेंट उनका स्टार्ट हो जाता है, तो उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो दिल की धड़कन भी मायने रखता है, लेकिन अगर बच्चे शांत रहें तब, लेकिन वो शांत नहीं रहते हैं अल्ट्रासाउंड कराते समय, बहुत कम केस में ऐसा देखा गया है कि अल्ट्रासाउंड कराते समय बच्चे शांत रहें। तो मेरे जो 5 लक्षण थे ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मैं कहीं से भी मतलब दाई माँ या ओल्ड वाइफ का नज़रिया इसमें नहीं मैंने लिया है, मेरा खुद का जो लक्षण थे, मेरे खुद के प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने जो महसूस किया था वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, एंड आपके मन में कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो करके मुझसे मैसेज से बात कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।